काफ़ी रिसर्च के बाद ये कॉमिक्स निकाली मैंने, और इसका फ्रंट कवर रेड कलर का था, चूँकि रेड कलर वाला जो अभी का टाइम में वीडियो है वो ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। राज कॉमिक्स ने ये इनिशिएटिव बहुत बाद में लिया। ये देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तरुण कुमार भाई, विवेक मोहन, तौफीक, विनय, राजेश कुमार, विजय कुमार, सुनील पांडे, मनीष गुप्ता। कहते हैं इंसान के लिए प्रयत्न काम नहीं आते हैं, दौलत के लिए इंसान के प्रयत्न काम नहीं आते, ये वक्त से पहले और भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं होती। कभी नाकों चने चबवाती है तो कभी छप्पर फाड़ कर मिल जाती है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है, विशाल मेरे भाई। इन अंडों और इन चार मुर्गियों का हम क्या करेंगे, विक्की भाई। रिलायंस ग्रुप के धीरू भाई अंबानी ने अपना कारोबार 500 रुपये से शुरू किया था, इसलिए मैंने 500 रुपये के अंडे और ये चार मुर्गियाँ खरीदी हैं। मुर्गियाँ इन अंडों को सेक करके इसमें से चूजे पैदा करेंगी, और वो चूजे बड़े होकर मुर्गे मुर्गियाँ बनेंगे, और मुर्गियाँ और अंडे देंगी, और फिर उनको सेक कर और चूजा पैदा करेंगी, फिर बड़े होकर के मुर्गे मुर्गियाँ बनेंगे और अंडे देंगे फिर से उन अंडों से। भाई संभलो, उफ स्क्रिच यू रास्कल, स्टॉप द कार। भाई सारे अंडे फूट गए, सारी मुर्गियाँ मर गई, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। सेक्स चिल्लियों के सपने कभी पूरे नहीं होते, 3 रुपये किलो रोहे के हिसाब से तुम्हारे कबाड़ के 30 रुपये बने। मैं सेक्स चिल्ली नहीं हूँ, मेरा सपना सिर्फ सपना नहीं, मुझे थैली वाले फकीर ने बताया था कि मैं एक दिन करोड़पति बनूँगा। मेरे हाथ में करोड़पति बनने की रेखा है, मेरे ललाट पर करोड़पति बनना लिखा है। भाई तू करोड़पति बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाएगा, मैं तो अनाथ था, तेरी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, तू मेरा भाई है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊँगा। लेकिन करोड़पति बनने के लिए एफर्ट्स तो मुझे ही करने होंगे, मगर शायद मुर्गी अंडे वाली बिजनेस लाइन में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए अंडे टूट गए और मुर्गियाँ मर गई। प्रयत्न गलत हो तो ऐसा ही होता है, मुझे जिस बिजनेस साइड लाइन में जाकर करोड़पति बनना है, मैं उसी के बलबूते पर ही तो करोड़पति बनूंगा, और अब शायद मैं सही दिशा में सोच पाऊँ। ये तो वही है थैली वाला फकीर, इसकी आंखों में भीख मिले हजारों सिक्के हैं, इसकी थैली फट गई है, हजारों रुपए के सिक्के सड़क पर बिखर गए हैं, ये तो बुरी तरह से घायल लगता है। ओह पानी, लो बाबा पानी। भाई शायद कोई तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारकर निकल गया है, इसको अस्पताल ले चलते हैं, फकीर को अस्पताल में नहीं सड़क पर ही मरना चाहिए, आप बच जाएंगे बाबा। तू कोई खुदा नहीं है जो मेरा भाग्य निर्धारित करेगा, मैं फकीर हूँ, अपने भाग्य का लेखा जोखा जानता हूँ, मेरा अंत बहुत निकट है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जल्दी, समय कम है, मेरे आसपास बिखरे सारे सिक्के को समेट लो। इन सिक्कों से को भरने के लिए कोई बड़ा कपड़ा कहाँ से आएगा, तुरंत हमारी पैंटें काम आ सकती हैं, जल्दी करो, मेरे पास समय कम है, बस हो गया, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो कब्रिस्तान है मुझको वहाँ ले चलो। जीते जी को कब्रिस्तान नहीं जाता फकीर बाबू, यह अब जिंदा है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक वगैरह पर भी प्रशांत राजा नाम से। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो कब्रिस्तान है मुझे वहाँ ले चलो, ये कब्रिस्तान मेरा घर है बच्चों, मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, ये कब्र मेरा ठिकाना है, मुझे यहीं छोड़ दो। जीते जीते कब्र किसी का ठिकाना नहीं हो सकती, किसकी कब्र है बाबा। बच्चों मेरी ये मेरी कब्र है, ना ना डरो नहीं,
मैं तो जिंदा ही हूँ, कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ। 25 बरस पहले करोड़पति बनने की चाह मन में लिए अपने बीवी और इकलौते बच्चे को उनके भाग्य के सहारे छोड़कर किसी दूसरे शहर चला गया था। वहाँ जाकर मैंने खूब दौलत इकट्ठी की। दौलत इकट्ठी करके 5 साल बाद वापस लौटा, मगर रास्ते में लुटेरों ने मुझे फकीर बना दिया। उस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से कहकर गया था कि करोड़पति बनकर ही लौटूंगा। किस मुँह से उसके सामने जाता, मेरी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। मैं यहाँ कब्रिस्तान में आ गया। यहाँ मुझे एक कहा रूहानी फ़कीर मिले। वे मुझे देखते ही मेरा दुख समझ गए। उन्होंने मुझे कुछ रूहानी ताकतें दी और यह आशीर्वाद दिया कि जिन लुटेरों ने मेरी दौलत लूटी है वह उससे कई गुना ज़्यादा दौलत यहाँ छोड़ कर जाएंगे। एक दिन ऐसा ही हुआ। लुटेरे पुलिस से बचते हुए यहाँ आए और सोना हीरा रुपयों के बंडल यहाँ छुपा कर भागे और पुलिस की गोलियों का शिकार होकर मारे गए। तब से ये दौलत यही है, क्योंकि मैं अपने परिवार को नहीं ढूंढ सका था जिसको ये दौलत दे पाता। अपना पर्स जिसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था उसमें मेरी तस्वीर थी। मैंने इस कब्र में दफना दी। ये कब्र मेरी है बच्चों, मेरे अरमानों की कब्र ही है। यहाँ रहते हुए मेरी दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए, लोगों ने मुझे पागल फकीर समझ लिया। मैं सचमुच पागल हो गया था। लोगों ने मुझे भीख देना शुरू कर दिया था, कभी पैसा कभी खाना। मैंने एक एक पैसा संभाल कर रखा, कभी खर्च नहीं किया। देखो थैली, देखो देखो, 25 बरसों से मैं लुटेरों द्वारा छोड़ी गई दौलत के लिए यहाँ इस कब्र में करोड़ों सिक्के भी जमा हो गए हैं। ये करोड़ों अरबों की दौलत है, करोड़ों के सिक्के हैं ये, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, करोड़ों सिक्के, करोड़ों करोड़ों सिक्के। उन सिक्कों में को भी यहाँ डाल दो। छनाक, शाबाश। वो पत्थर मुझे लाद दो जल्दी, समय कम है। इस पत्थर का क्या करोगे? ये दौलत मैंने जिनके लिए संभाल कर रखी है उनको यहाँ पहुँचाना भी तो मेरा फर्ज है। ला पत्थर मुझे दे दे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा चामुंडा, ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा। ये क्या कर रहा है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं। माय गॉड, कब्र में भरी करोड़ों अरबों की दौलत उस पत्थर में जाकर गायब हो रही है। मैंने अपनी सारी दौलत इस पत्थर में डाल दी है। ये मेरी पत्नी और उस बच्चे की फोटो है, बच्चे का फोटो है। तुम्हें इनको ढूंढकर ये पत्थर इन तक पहुंचाना है। तुमको इनको खोज कर यह पत्थर इन तक पहुंचाना है। उनसे कहना इसमें बेशुमार बल दौलत है, ये पूरा बैंक है। ये मेरी पत्नी और बच्चे के फोटो है।
तुम्हें इनको ढूंढ कर ये पत्थर इन तक पहुंचाना है। उनसे कहना इसमें बेशुमार दौलत है, ये पूरा बैंक है। उनको जितनी भी दौलत इस बैंक से चाहिए, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा मंत्र का जाप करते रहिए, पत्थर उनको उतनी दौलत देता रहेगा। मैं जानता हूँ कि इस काम में तुमको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो लोग अब कहाँ हैं कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं तुमको भी छूट देता हूँ कि तुमने आखिरी समय मेरी मदद की है। तुम चाहो तो इस पत्थर की दौलत का उपयोग तब तक स्वयं भी कर सकते जब तक तुम्हें मेरी पत्नी और बच्चा जो अब बड़ा हो चुका होगा नहीं मिल जाते। इसमें अरबों रुपये हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये तो मर गया, इसकी कब्र यहीं गड्ढे में बनाना उचित होगा। यहाँ कब्र में कुछ है, एक फर्श है। ये उस फकीर का वही फर्श है जिसका जिक्र इसने थोड़ी देर पहले किया था। इसके शव को यहीं दफना देते हैं। मुझे सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। इसकी कब्र तो बन गई, हमने इंसानियत का फर्ज पूरा कर दिया, मगर अब क्या होगा, अब क्या होगा से क्या मतलब। हम फकीर के परिवार को कैसे और कहां पर ढूंढेंगे। हा 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 हा, तुम इस प्रकार क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे प्रश्न को सुनते हो। क्या मतलब? यह रही फकीर के परिवार के फोटो और उसका फर्श। जब तक ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी तब तक उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी खोपड़ी पर मंडराती रहेगी। नहीं, ये उस फकीर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। उसने हम पर भरोसा किया है। धोखा देना, धोखा खिलाना तो इंसान की फितरत और किस्मत है। आज मेरे पास ये मनी स्टोन है जिसकी में करोड़ों अरबों की दौलत भरी है। एक सुनहरा भविष्य मेरे सामने है। आज इस मनी स्टोन के कारण मैं अरबपति बन सकता हूँ। अरे मैं तो बकवास किए जा रहा हूँ, अभी तक इस पत्थर को टेस्ट भी नहीं किया। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि जिस पल नियत बुरी हो जाती है उस पल से सब बुरा ही बुरा होता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा। ओह, ये तो वाकई मनी स्टोन है। मैं दौलतमंद हो गया। ये दौलत नहीं, ये प्रेत दौलत है, इसको मत छुओ। और यदि छूना और इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे और यदि छूना और इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले नियत साफ करो। फकीर के परिवार को ढूंढने का संकल्प लो। तेरी नीयत तो ठीक है ना, ये काम तो खुद ही कर ले। ये प्रेत दौलत ही सही, मगर दुनिया का सारा सुख मेरे झोले में डाल सकती है। ज़िंदगी की ताकत खुशियों में इससे पा सकता हूँ। बंगला, गाड़ी, खाना, कपड़ा, सैर सपाटा, अयासी, अब अपनी तो अब निकल पड़ी। अरे आहा हा हा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे ये तस्वीर तो इसमें मेरी माँ की जवानी की तस्वीर है। माँ की तस्वीर क्या बसता है, और माँ के साथ ये मेरे बचपन की तस्वीर है। इस पर्स में जो लाइसेंस है, इस पर जो फोटो है, ये उस आदमी का है जिसे आप तक अपनी माँ और छाटे से लगाए हुए हैं। इस पर्स में जो लाइसेंस है वो, इस पर जो फोटो है वो यहाँ के लोकल आदमी का है जिन्हें आज
जिन्हें आज तक मेरी माँ अपने छाते से लगा रहती है। मैं ये उस आदमी का है जिसे आज तक माँ अपनी छाती से लगाए हुए है, और लाश लावारिस नहीं है बल्कि वो मेरे पापा की लाश। तो क्या इसका मतलब ये क्या है हुआ? क्या इसका मतलब ये? हा, लो जी, घर की बात घर में ही रह गई। ये मनी स्टोन तो हमारा ही निकला, हमारा ही नहीं विक्की, सिर्फ मेरा। उसको मुझे दे दो, मनी स्टोन माँ के मनाता है। ये मनी स्टोन नहीं, ये तो रिजर्व बैंक है। ये तो मैं अपने रिजर्व सजे बाप को भी ना दूँ। ओफ धाड़, ये तो रिजर्व बैंक है जो मैं अपने सगे बाप को भाई को भी न दूं धाड़। ओफ, हमारे नहीं कि सिर्फ मेरा। उसको मुझे दे दे, मनी स्टोन माँ के मारता है। और दौलत, दौलत, हाँ, दौलत, दौलत ही दौलत। मैंने कहा था कि मेरे सामने सपने सिर्फ चिल्ली के सपने नहीं है। आप मुझे फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कई कॉमिक्स पर मैंने वीडियो बनाई है, और इसके बाद डायरेक्ट उस सीन के बाद दिखाता है सिंगापुर का एक जवान। आज मैं शिपिंग कंपनी का मालिक हूँ। वी फॉर विक्की, वी फॉर विक्ट्री। प्रोम कैप्टन, हम सिंगापुर कब तक पहुँच जाएंगे? एक हफ्ते में सर। इन लंबी यात्रा, समुद्री यात्रा करने का शौक मुझे बचपन के सभी लंबी समुद्री यात्रा करने का शौक मुझे बचपन से था। मैं हमेशा ज़िंदगी को एंजॉय करने का सपना देखा करता था। समुद्र की इन मछलियों की तरह स्वच्छंद बनकर तू अब ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करेगा। हाँ, कौन है? मैं फ़कीर, थैली वाला फ़कीर। तूने हमारा ख्याल रख किया है, ये ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करेगा तो के पास तू नहीं।
चलिए गाइस जी, आपको स्टोरी कैसी लगी आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।